नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी गार्डनर चैनल में स्वागत है। आज हम इस टमाटर की खेती में नई किस्म के बारे में बात करेंगे। उस नई किस्म से आप दोगुना पैदावार ले सकते हैं। उस नई किस्म का नाम है नामधारी दिनकर 4266। इसकी पैदावार जो है 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। अगर अन्य टमाटरों की बात करें तो वो 400-600 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार होती है। इस टमाटर की नई किस्म अच्छी है और इसकी लताओं पर पौधे, अगर इसकी नई किस्म के बारे में बात करें जो कि इसमें 4 से 5 गुच्छे होते हैं, उनमें एक पौधे की बात अगर हम करें तो 60 से 65 गुच्छे होते हैं। अगर इस तरह से आप अगर जोड़ लें तो एक पौधा आपको 15 से 20 किलो टमाटर दे सकता है। अगर हम टमाटर की खेती में बात करें तो दो फसलें आप ले सकते हैं। एक फसल आप टमाटर की ले सकते हैं और दूसरी फसल जो है आप बंद गोभी की ले सकते हैं। क्यारियां आपकी बड़ी हों तो उसके बीच में आप बंद गोभी लगा सकते हैं और इस तरह से आप डबल फसल ले सकते हैं। नामधारी दिनकर 4266 में एक ये है कि लताओं के अनुसार या टहनियों के अनुसार आपका फल अच्छा देता है और इसमें 4 से 5 गुच्छे लगते हैं। एक गुच्छे में कम से कम टमाटर की बात करें तो 6 से 7 लगते हैं। ये अभी नई किस्म निकली है। अगर आप हमारे इजी गार्डनर चैनल पर नए हैं तो इजी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें।